कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अचानक से कनाडा के पीएम भारत के सवालों से बचते हुए भागते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस ने कह दिया हम भी परमाणु बम बनाएंगे। आखिर क्यों कहा है? और इन सब के बीच में कनाडा में अब अपने ही विरोधी हुए टूडो के, उनकी ही पार्टी के सांसद खिलाफ में उतरे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो सबसे बड़ी खबर कनाडा में एक और गैंगस्टर मारा गया। जानेंगे कौन था वो और क्या भारत में वो वांटेड था और किसने टपकाया इसको। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें सऊदी से तो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है ना, मुझे उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि ये बंदा जो भी बोलता है खुलकर बोलता है और अपने भी देश में जो रिफॉर्म्स ये कर रहा है इससे पहले कभी कल्पना नहीं किया गया था कि कोई इतना बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकता है। लेकिन सऊदी प्रिंस ने बहुत सारे नियम बदल दिए हैं अपने देश। 2015 में एक डील हुई थी ईरान की, न्यूक्लियर डील, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया। और इसे तोड़ने के बाद क्या हुआ, सऊदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तगड़ी वाली बनने लगी। बाइडेन भी जब आए तो ईरान को ऐसा लग रहा था कि शायद मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन बाइडेन ने इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने से मना कर दिया। आपको बता दें इसी वक्त क्या होता है, साल 2016 सऊदी अरब घोषणा करता है कि अगले 20 साल में 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा जिसकी लागत होगी $80 अरब। और जब सऊदी अरब ये बात कहता है तब अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं और अमेरिका को लगता है कहीं इसी बहाने परमाणु बम तो नहीं बना लेगा। और आपको बता दें अमेरिका यहाँ सहयोग करने से मना करने लगता है। तब सऊदी अरब का पल्ला झुकने लगता है चाइना की तरफ और अब अमेरिका मजबूर हो गया। अमेरिका ने अब कहीं ना कहीं एक समझौता करने के लिए हाँ कर दिया है। अब इसी के तहत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका में फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे और इनसे जब पूछा गया कि क्या आप परमाणु हथियार बना लेंगे तो इन्होंने कहा कि देखो हम तभी बनाएंगे परमाणु हथियार अगर ईरान इसे बनाने में पहले सफल हो जाता है। इस दौरान इन्होंने कहा कि देखो कोई भी देश जब परमाणु हथियार बनाता है ना तो हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। वैसे तो परमाणु हथियार के मायने कुछ नहीं है, इसे पाने से क्या होगा, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनसे पूछा गया कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो ये नागासाकी वाला समय नहीं है, हिरोशिमा वाला समय नहीं है। आज अगर कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है 100,000 लोग मारे जाते हैं तो पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने पूरी दुनिया युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ ईरान अगर बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। हालांकि इन्होंने एक बात और साफ की, इन्होंने कहा कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते अब ठीक हो रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, फिलिस्तीन के भी मामले पर बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि शांति से सारे मामले हल हो जाए। खैर जहां एक तरफ सऊदी अरब के प्रिंस का ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहुंचे हैं जस्टिन ट्रूडो और अभी तो ये एकदम ज्वलंत मुद्दा बने हुए हैं, इसलिए जहां कहीं भी हो पत्रकार इन्हें घेर लेते हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये भागते हुए नजर आ रहे हैं जब पीछे से टपक टपक कर पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि भैया रिजेक्ट कर दिया भारत ने, कुछ बोलो, भारत के ऊपर कुछ बोलना है, खालिस्तान के ऊपर कुछ बोलना है। ये दोनों ही वीडियो में बिना जवाब दिए पत्रकारों के निकल जाते हैं। खैर कनाडा के पीएम का ये हाल है क्योंकि इन्होंने जो रायता फैलाया है उससे दुर्गंध आना शुरू हो चुका है। अब हुआ क्या है, इनके ही पार्टी के लिबरल पार्टी के ही नेता ने विरोध करना शुरू कर दिया है, सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर जो एक शख्स दिख रहे हैं यह है चंद्रा आर्य ने अपनी एक स्पीच वीडियो भी शेयर की सोशल मीडिया पर और इन्होंने अपना ट्वीट भी लिखा जिसमें उन्होंने हिंदू और सिखों के लिए लिखा जो सिख खालिस्तान के समर्थक नहीं है। इन्होंने कहा कि देखो कनाडा में रहने वाले ज्यादातर सिख खालिस्तान के समर्थक नहीं है लेकिन वो डरे हुए होते हैं, खुलकर खालिस्तान का विरोध भी नहीं करते हैं। आपको बता दें सार्वजनिक तौर पर ये निंदा नहीं करते हैं लेकिन हाँ हाल फिलहाल में जो पन्नू ने किया है, पन्नू ने जो घोषणा की है उस घोषणा के बाद लोग डरे हुए हैं, तो हम उन लोगों से अपील करते हैं आप डरिए मत, आप हमें बताइए अगर कुछ भी आपको ऐसा आशंका लगता है, कहीं से भी कुछ सूचनाएं मिलती है तो एजेंसी को आप बताइए। लेकिन अब ये भड़क गए हैं अपने ही देश के पीएम के ऊपर, इनका
का कहना है ये काहे की आजादी, ये बोलने की कौन सी आजादी है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप महिमा मंडन कर रहे हैं आतंकवाद का, घृणा अपराधों को अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तान आंदोलन के नेता का ये भड़काऊ बयान मंदिरों पर हमला और बढ़ाएगा। एक छोटा सा वीडियो है, इसे थोड़ा जरूर सुने आप। फ्यू डेज बैक खालिस्तान मूवमेंट लीडर इन कनाडा एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिक्स फॉर जस्टिस विच ऑर्गेनाइजेस द सो कॉल्ड रेफरेंडम गुरपतवंत सिंह पन्नून अटैक्ड हिंदू कैनेडियंस आस्किंग अस टू लीव कनाडा एंड गो बैक टू इंडिया। I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader यहाँ ये पूरी तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। खालिस्तानी वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये साफ साफ दिख रहा है। तो कनाडा के पीएम को अभी बहुत कुछ झेलना होगा क्योंकि जो चीज उन्होंने की है वो ओपन आकर बहुत ही गलत कर दिया है। इन सब के बीच में एक और खबर आ रही है, स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे हैं। इस शख्स का नाम है सुक्का और पूरा नाम है सुखदूल सिंह गिल, जिसे सुखा सुखा कहके लोग बुलाते थे। कनाडा में ये एक कैटेगरी का गैंगस्टर है, यहाँ वहाँ पर बहुत सारे गैंग वैंग बन गए हैं और इसको कनाडा के विनिपिंग में गोलियां मारी गई है, मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। कहा जा रहा है ये गैंगस्टर 2017 में फर्जी दस्तावेजों पर भारत से कनाडा भाग गया था और उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे आपको बता दें सुखा भी खालिस्तान समर्थक ताकतों में शामिल हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के खुफिया सूत्रों ने बताया है कि दविंदर बंभीहा गैंग के सुखदूल सिंह उर्फ सुखा की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सुखा की हत्या 15 गोलियां मारकर की गई है। खैर, कहा जाता है इसने बहुत सारे नेटवर्क बिछाने शुरू कर दिए थे, वहां से भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। सुखा ने पिछले साल 14 मार्च को जालंधर की मल्लिया गाँव में एक मैच के दौरान अपने साथियों की मदद से कहा जाता है कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और अपराधों के 20 से अधिक मामले जब्त भी बताए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। खैर, अब यहाँ पर गैंग वॉर की वजह से एक एक करके लगता है जैसे कि लोग ऊपर जा रहे हैं। ये दूसरी बड़ी घटना कनाडा के अंदर हो गई है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।